नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हो गया फाइनल फैसला। जी हां दोस्तों, डीए और महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने वापस लिया अपना आदेश। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया के कई मंचों से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने डीए में इजाफे पर रोक लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीए में इजाफे पर अगले साल जून तक लगी रोक को क्या सरकार ने वापस ले लिया है? इसी सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, इन सभी अफवाहों का खंडन करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर अकाउंट हैंडल के माध्यम से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, एक पुराने अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कटौती की घोषणा वापस ले ली है। असल में ये हेडलाइन फर्जी है। ये अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, ऐसी किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। हमारे इस चैनल पर आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य सभी पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिल सके। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।